नमस्ते, यहाँ पर हमने पोको X6 डिवाइस के ऊपर गूगल कैमरा 8.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है। इस गूगल कैमरा के साथ जो है यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा, इवन फ्रंट कैमरा के साथ भी काफ़ी बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में GCam 8.2 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं UI के बारे में। तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा, आपको सेटिंग्स में जाके मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर जो मैक्रो लेंस से काम कर जा रहा है, प्लस यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस भी काम कर जाएगा, इवन मेन लेंस भी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो हम जो है आपके सामने लाइव फोटो क्लिक करने वाले, देखते किस तरह से यहाँ पर जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है फोटो को क्लिक करते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पर HDR मोड के साथ भी आप जो है फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अल्ट्रावाइड लेंस के साथ HDR एनहांस मोड के साथ फोटो क्लिक करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर HDR एनहांस मोड को सिलेक्ट किया है। रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे हमने डिसेबल किया है। यहाँ पर 16:9 के साथ हम जो है फोटो को क्लिक करने वाले हैं। बाकी देखते किस तरह से यहाँ पर फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर HDR एनहांस मोड के साथ अगर आप फोटो को क्लिक करोगे तो मल्टीपल फ्रेम के साथ फोटो क्लिक हो रहा है, इसलिए जो आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा। इवन अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी आप जो है 2x जूम कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस काम कर रहा है। प्लस यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो आप जो है अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर वीडियो को पॉज करने का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। इवन वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आप जो है सिंपली यहाँ पर फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस काम कर जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर जाएगा, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन काम नहीं कर रहा है, बट 1x 2x का जो ऑप्शन है देखने को मिल रहा है अल्ट्रावाइड लेंस के साथ। अभी फिलहाल जो मैक्रो लेंस है इसे जो है टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से पर मैक्रो लेंस के साथ जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड इस तरह से आप जो है मैक्रो लेंस के साथ भी HDR एनहांस मोड के साथ जो है फोटो क्लिक कर सकते हो। डेफिनेटली आपको जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मैक्रो लेंस को भी यूज़ करने का जो ऑप्शन से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो आप जो है मैक्रो लेंस के साथ भी यहाँ पर फोटो को क्लिक कर सकते हो। हम जो है यहाँ पर मल्टीपल फोटो को क्लिक करने वाले हैं मैक्रो लेंस के साथ। तो यहाँ पर मैक्रो लेंस के साथ जो है HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग है काम करता नहीं, तो शायद यहाँ पर मैक्रो लेंस के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे मैक्रो लेंस के साथ। ना फिलहाल बात कर लेते हैं पर फ्रंट कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ जो है ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है फ्रंट कैमरा के साथ भी देखने को मिलता है। यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है, हमने यहाँ पर HDR एनहांस मोड को बंद किया है, HDR मोड को ऑन किया है, टाइमर का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी फोटो क्लिक करके देखते हैं किस तरह से क्वालिटी देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड के साथ भी यहाँ पर फेस रिटचिंग, HDR मोड, टाइमर, ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर नाइट साइड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर भी जो है फेस रिटचिंग, इवन फ्रंट कैमरे के साथ जो फ्लैश है उसे भी आप जो है एनेबल कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे के साथ आप जो है फुल HD 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से जो है फ्रंट कैमरे के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर पॉज भी कर सकते हो। तो ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो बैक कैमरा है इसके साथ जो कुछ फोटो को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है HDR मोड के साथ जो है बैक कैमरा के साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं। काफ़ी फास्ट यहाँ पर शटर स्पीड देखने को मिल जाएगा, काफ़ी फास्ट यहाँ पर फोटो को क्लिक कर सकते हो। हम जो है 1x 2x के साथ जो है फोटो को क्लिक कर रहे हैं। एंड मल्टीपल फोटो को यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं, देखते किस तरह से यहाँ पर जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा इस गूगल कैमरा के साथ। एंड डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। ना यहाँ पर और भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फोकस के रिलेटेड कोई इशू नहीं है। प्लस यहाँ पर 1x 2x का ऑप्शन है, एंड इवन यहाँ पर जो है 64x जूम का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। एंड पोको X6 डिवाइस के साथ आप जो है 64x
जूम का जो ऑप्शन है उसके साथ जो है फोटो को भी क्लिक कर सकते हो, कुछ इस तरह से हम जो है 64x ऑप्शन के साथ जो है यहाँ पर फोटो को क्लिक कर रहे हैं। एंड ये जो 64x जूम का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है, आपको सेटिंग्स में जाकर एनेबल करना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर 8x तक जूम का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम करता है। एनीवे और भी कुछ फोटो को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर सच में आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है एंड आपको काफ़ी हद तक जो है नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा इस गूगल कैमरा के साथ। बाकी यहाँ पर जैसे आपको बताया है आप यहाँ पर 4K 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरा के साथ एंड फ्रंट कैमरा के साथ फुल HD 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड सभी फोटो के साथ आपको जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है फॉर श्योर। एंड फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर फोटो सैंपल के बारे में, हमने ढेर सारी फोटो क्लिक किया है इस गूगल कैमरा के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो फोटो है देखने को मिलता है, इस फोटो को हमने अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है क्लिक किया है, देख सकते हो काफी हद तक जो है यहाँ पर ब्राइट इमेज देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। इवन अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी जो डिटेल्स है काफी बढ़िया है, यहाँ पर बढ़िया लाइट बैलेंस देखने को मिलेगा। इवन इस फोटो को हमने अल्ट्रावाइड लेंस के साथ 2x जूम के साथ क्लिक किया है, बढ़िया यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल रहा है, कोई भी यहाँ पर नॉइज वगैरह नहीं है, नॉइज को जो है काफी हद तक रिड्यूस किया गया है जो कि काफी बढ़िया है। अल्ट्रावाइड लेंस के साथ फोटो क्लिक करने के बाद भी जो है बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पर हम जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड किया है अल्ट्रावाइड लेंस के साथ, यहाँ पर फुल HD 30fps में जो है अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी काफी हद तक जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल गया है, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी जो ब्लर वगैरह है काफी सही है। इवन फ्रंट कैमरा के साथ भी आप जो है यहाँ पर इस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर मैक्रो लेंस को हमने ट्राई किया था, मैक्रो लेंस के साथ भी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर 2x के साथ भी मेन कैमरे के साथ बढ़िया डिटेल्स है, ब्राइट इमेज को क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर लाइट बैलेंस जो है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा GCam 8.2 के साथ। एंड सोशल मीडिया रेडी फोटो को क्लिक कर सकते हो, सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के साथ जो है काफी बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली इस गूगल कैमरा के साथ आप जो है काफी बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो, फोटो के ऊपर डिटेल्स बढ़िया देखने को मिलता है, डे लाइट नाइट लाइट दोनों टाइम ही आपको जो है बढ़िया फोटो देखने को मिलेगा। फोटो के साथ जो है काफी हद तक आपको जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, वीडियो के साथ आपको जो है काफी हद तक नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। एंड सभी फोटो के साथ हमने एक चीज को नोटिस किया है, तो डेफिनेटली आप जो इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देख सकते हो, आपके डिवाइस के ऊपर बढ़िया डिटेल्स के साथ जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड ये जो GCam है, इस GCam का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमने गूगल कैमरा के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो को अपलोड किया है, आप सिंपली GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है इस गूगल कैमरा के साथ। एंड इवन इस गूगल कैमरा के साथ जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा जो कि आप सेटिंग्स मेनू में जाके चेकआउट करके देख सकते हो। चलो बाय बाय।